हाफिज़ यार, शुक्र है तुम जा रहे हो, शुक्र है कुछ ही देख रहे। हेलो जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है युवास शालीम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको पता है कि मैं व्लॉगिंग करता हूं तो ठीक है, नहीं पता तो बता देता हूं। मैं बेसिकली व्लॉगर हूं पेशावर से और मैं व्लॉगिंग करता हूं और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। सो सब्सक्राइब कर लें, पहले से ही बता रहा हूँ। सो कुछ दिनों पहले पता चला कि लाहौर की फ्लो जो है वो उड़ते उड़ते पेशावर आ रही है। तो जब पता चला कि ये लाहौर की फ्लो पेशावर आ रही है जी बिल्कुल, इमाद बुखारी साहब की बात करें तो कुछ पता चला है उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी से कि वो पेशावर आ रहे हैं, और कुछ मेरे फ्रेंड हमज़ा की तरफ से, हमज़ा भाई की तरफ से उन पता चला कि आ रहे हैं पेशावर। उन्होंने कहा यार इमाद आ रहा है सीन ऑन करते मिलने का। मैंने कहा क्यों नहीं यार भाई, पेशावरी लोग हम मेहमान नवाज ऐसे तो नहीं कहलाए जाते। सो इमाद बुखारी पेशावर आए और मेरा और उनके साथ मिलना ये एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। अगले दिन डिसाइड किया कि जी इमाद बुखारी के मीटअप रखना चाहिए। ये काइंड ऑफ कोलैबोरेशन थी, हमजा मंसूर एंड इमाद बुखारी मीटअप इन पेशावर एट ग्लोरिया जीन्स हयातबाद, 6 बजे की टाइमिंग थी। सो भाई अभी चलते हैं, हमें टाइम लेट हो रहा है। अभी हम जाएंगे ग्लोरिया जीन्स डायरेक्ट, इस कमरे से हम सीधा पहुँचेंगे दरवाजे के थ्रू ग्लोरिया जीन्स। पता है कैसे? डोरेमोन के जादू से। एनी वेयर डोर? नहीं यार, मेरा अपना डोर भी है, चलाएं देखते हैं। तो भाई हम यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स जैसे कि बताया आ गए हैं, और यहाँ पे आने का एक मकसद था। असल में लाहौर के एक फ्लो जो है ना वो उड़ते उड़ते पेशावर टपक गया है, और वो बंदा कौन है? वो है जी इमाद बुखारी। कैसे इमाद साहब? फ्लो कैसे हैं पेशावर के? फ्लो पेशावर के इस टाइम बहुत हैवी है। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइक 10 से तो ऊपर हो ही गए। तो आपको लग रहा है आज फ्लो हैवी है? आज फ्लो फुल हैवी है। और आप कैसे हैं? यार मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी मैं सुबह उठा था, मेरी ये वाली सारी साइड सूझी हुई थी, तो इसके लिए बड़ी दुखी कहानी है। वो आप मेरे चैनल में देखें, वो आप इनके चैनल में देखें, बाकी बकिया हिस्सा मेरे चैनल में देखेंगे। Tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you भाई आहिस्ता आहिस्ता जो है ना भाई आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फ्लो बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है आज और फ्लो बढ़ेगा। एक फरमाइश आई है, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता जब ख्वाबों में छोड़ जाए, सोचो को निभाना पाए, याद आए ना, सजा हो गई, सजा हो गई, पुराने दिल याद आए ना। तो आज मेरा और हमजा का मीटअप था एट ग्लोरिया जीन्स, और यहाँ पे फ्लोज और स्वैग्स कुछ ऐसे हैं। चलो अल्लाह हाफिज़। तो भाई ने आके करी थी, तो इंशाल्लाह कभी बाद में आए तो फिर मुलाकात होगी।
चल रहा है, बाकी फ्लो बहुत सेक्स है। और साहब कुछ कहना चाहेंगे? हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आप घर जाके वो फुटेज हमें दे दें, प्लीज़। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। घर जाके सेफ गार्ड से हाथ धोकर खाना खाना। अच्छा जी, मेरी जो हालत अभी ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत नाजुक सूरत, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। लेकिन इमाद साहब कैसा लगा है ये पूरा मीटअप और फ्लोस कैसे रहा? बाकी कल वाला दिन आपके हमजा के बगैर पूरा नहीं हुआ, जो सही बात है, बहुत मज़ा आया कल और आज भी माशाल्लाह। और एक्सपेक्ट हम कम लोग कर रहे थे, लेकिन लाइक ज़्यादा लोग। वो तो जाहिर बात है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी, करें ज़रूर ज़रूर, और इनके भी कर लें। यार शुक्र है तुम जा रहे हो, शुक्र है कुछ ही देख। सो भाई अभी हम मीटअप से होके आ गए, मीटअप तो बहुत आला गया है। और अभी हम सफदर भाई के घर आए हैं और खाना सीन ऑन। और सफदर भाई यहाँ पे कैसे? सफदर भाई बस अभी खाएंगे, कैसे खाएंगे इसको? जैसे मर्जी खाओ यार, बस खाने का सीन ऑन है। तो भाई सारा मीटअप तो बहुत ज़बरदस्त रहा और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लोग आए, मतलब एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा आए ही आए। सो बहुत ज़बरदस्त गया मीटअप और बहुत मज़ा आया सबसे मिलकर। सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी उसमें थे और लोकल लोग भी थे और काफ़ी इंजॉयबल था। गाने उधर जैमिंग का सीन भी ऑन किया हमजा भाई और उनके बैंड ने, बैंड ही समझ लें, फिलहाल दो लोगों का था भाई। गले बंद रहने की वजह से ना लड़के को बोलना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हुआ और पता नहीं रिकॉर्ड हुई या नहीं, सही पता चल रहा है कि नहीं। बस गुजारा कर लें यार, वीडियो बनानी थी, कंटेंट कंसिस्टेंसी बनानी थी यार। सो एट द एंड सब्सक्राइब माय चैनल युवास शालीम और सब्सक्राइब का बटन तो भी दबा दें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पता चलती रहे। और लाइक कर लें, शेयर कर लें, कॉमेंट कर लें, आपकी अपनी राय है यार, मैं क्या कह सकता हूँ, राय से बताएं मुझे ताकि मैं और बेहतरी कर सकूँ। कॉमेंट सेक्शन पर अपने इजहार राय का थोड़ा सा नमूना पेश कर दें। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले व्लॉग पे।